हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुपमा, स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा लाइफ स्टाइल में। तो गाइज, आज है फ्राइडे और आज है मेरा व्रत। तो मैं इस वाले ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि वैभव लक्ष्मी व्रत आप करना चाहते हैं तो उसको कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या उसका नियम है और कैसे उद्यापन करते हैं। तो सारे इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। बट अभी मेरी इवनिंग का टाइम हो गया है और मेरा पूजा की तैयारी बिल्कुल हो गया है, देख सकते हो सारा मैंने कर लिया है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कहा था प्रीवियस वीडियो में कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वैभव लक्ष्मी व्रत का नियम विधि और कैसे किया जाता है और इससे क्या प्राप्ति होती है, सारे मैं इस ब्लॉग में आप लोग बताऊंगी। बट अभी मैं पूजा कर लेती हूँ और पूजा का मैंने ब्लॉग बहुत बार दिखाया है और नेक्स्ट फ्राइडे मेरा उद्यापन है, यानी कि अगले फ्राइडे को। तो इसलिए मैं इस वाले फ्राइडे को आपको सारा विधि बताती हूँ कि कैसे करना होता है। नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोगों से शेयर करूँगी कि उद्यापन कैसे करते हैं। बट इसमें भी बता दूंगी कि उद्यापन कैसे करते हैं, लेकिन उसमें आपको दिखाऊंगी कि उद्यापन कैसे करते हैं, क्या किया जाता है उसमें। और ये पूजा की मेरी तैयारी हो गई है और मैंने भोग के लिए खीर भी बना लिया है और मैं खीर में बनाती हूँ साबूदाने का खीर भोग के लिए बनाती हूँ। साबूदाने या कभी कभी मखाने, स्टार्टिंग में मैंने एक बार मैंने चावल का खीर बनाया था, लेकिन मैं अन्न नहीं खाती हूँ। बहुत लोग मैं भी शायद खाते हैं लेकिन मैं अन्न नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैं साबूदाने का बना लेती हूँ कि प्रसाद के रूप में इसको मैं भी ग्रहण कर सकती हूँ। तो इसलिए साबूदाने का बनाती हूँ। आप चाहे तो मखाने का बना सकते हैं, अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप एक टाइम अन्न खा सकते हैं, नहीं उससे भी कम शक्ति है तो आप दो टाइम खा सकते हैं। बट मैं उपवास रहती हूँ और प्रसाद खाती हूँ और चाय वगैरह पी लेती हूँ ऐसे। और फ्रूट्स आप खा सकते हो अगर फलाहार करते हो तो। ये देखो, तो हमारा खीर भी बन के तैयार हो गया है और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आयरा को लेके आई हूँ नीचे से। आयरा को मैंने घुमाने मतलब नीचे लेके जाती हूँ, जैसे कि आज धूप बहुत अच्छा निकला था, बहुत अच्छा मज़ा आ गया था। तो बस तो आयरा गई थी, अभी आयरा आई हैं, मिल पी के सो रही हैं, तब मेरा पूजा भी हो जाएगा। अब पूजा करने का टाइम भी हो गया है, यानी कि 5:15 हो रहे हैं, तो अभी से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आयरा उठेंगे तो पूजा मेरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलो, तो मैं करती हूँ पूजा। जी देख सकते हो कि मेरी पूरी तैयारी हो गई है। ऐसे ही आपको एक पट्टा लेना है, ये देखो, मैं सारा बताऊंगी बाद में, पर पूजा कर लेती उसके बाद। तो ये देखो, सारा फ्रूट्स वगैरह मैं लेके आई थी और फल, ये प्रसाद में मैंने खीर बना लिया है। ये मेरी माँ वैभव लक्ष्मी हैं और ये व्रत करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं ये व्रत कर रही हूँ। और अगले वीक में मेरा उद्यापन हो जाएगा, तो फिर से कुछ दिन के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, अभी अगले वीक उद्यापन अच्छे से हो जाए, बस उसके बाद सोचेंगे क्या करते हैं। वैसे मैंने मन में ठाना है, व्रत जो मैंने फ्राइडे किया था उसकी पूजा हो गई है, देखो। तो मैंने भोग लगाया था और ये देखो दीपक भी जल रहे हैं, कपूर भी जलाया है मैंने, सब जलाते हैं। और ये सब भी सामान है जो ऊपर रखने हैं अभी। तो अभी जब पूजा कम्प्लीट हुआ है, ये देखो माँ वैभव लक्ष्मी, तो आप देख सकते हैं इस वाले वीडियो में कि मैं दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे आपको पूजा करना है। फिर आपको सारा विधि बताऊँगी कि कैसे आप वैभव लक्ष्मी व्रत करना चाहते हो तो कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा व्रत है जिससे आपको मन की संतुष्टि मिलती है और बहुत ही आपका मन शांत रहता है, अच्छा फील होता है और जो भी आपकी मनोकामना है सब पूर्ण होगा। तो माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो ये वैभव लक्ष्मी व्रत करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो गाइज, मेरा पूजा हो गया है, अब देखो अब सारे हटाएंगे तो रखेंगे। और आयरा भी उठ गई थी, आयरा गई हैं, दरवाज़ा खुला था क्योंकि जिस शाम में आरती वगैरह करते हैं दरवाज़ा खोल देते हैं, तो आयरा चली गई सामने। तो अभी जाएंगे आयरा को लेके आएंगे, पहले इसको सही कर लेते हैं फिर आयरा को लेके आते हैं। गाइज गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्या मतलब, अब मतलब रात हो गया है और हमारा सारा काम फिनिश हो गया है, जैसे कि मैंने पूजा कर लिया था। उसके बाद मैंने डिनर बनाया था अमित के लिए और फिर आयरा को मैंने दूध दिया था। तो आज मैं इस वाले ब्लॉग में आपको पूरा दिव्य बताऊंगी कि वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे करते हैं और क्या नियम है और करने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों किया जाता है। ये सब सारे इस ब्लॉग में आपको सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूँगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत क्यों करते हैं। तो जैसे गाइज, आपके मन में कोई भी मन्नत हो, आपका मन्नत मतलब आप चाहते हो कि मेरा ये चीज़ पूरा हो जाए, तो आप अपने मन में एक संकल्प ले लो कि हाँ माता रानी मेरा ये मन्नत पूरा करिए, मैं आपका ये व्रत मैं स्टार्ट करूँगी। और व्रत स्टार्ट करने से पहले आपको ये संकल्प लेना होता है कि आप कितना करोगे, 11 करोगे, 21 करोगे कि 51 करोगे।
तो जो आपके मन में श्रद्धा हो आप 11 भी कर सकते हो, 11 करके आपको उद्यापन करना होता है, 21 कर सकते हो या 51 कर सकते हो। तो मैंने 21 किया था, जैसे कि मेरा आज 20 कंप्लीट हो गया है और अगले फ्राइडे को मेरा उद्यापन है, तो मैं तो वैसे ही। और इसमें आपको क्या करना होता है कि आप छोड़ छोड़ के कर सकते हो, जैसे कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप कहीं जा रहे हो, या जैसे कि मंथ में एक तो आपको छोड़ना ही होता है, जैसे कि पीरियड पर आ गया तो आपको छोड़ छोड़ दोगे, फिर नेक्स्ट अगले बार करोगे, लेकिन आपको काउंट करते रहना होगा कि हाँ कितना हुआ कितना हुआ। आप कहीं अगर अदर कहीं जा रहे हो तो आप दूसरे जगह नहीं करोगे, आप जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो वहीं आपको करना है, अगर दूसरी जगह नहीं कर सकते, और यहीं पे आपको एंड भी करना होता है। तो ये सब तो बातें हो गई कि हाँ कैसे करना है, क्या है और क्यों किया जाता है, अगर मन में जो भी है आपके मन्नत तो आप ये व्रत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको आपके मन को शांति मिलती है, आपको एकदम मतलब सुकून मिलता है ये व्रत करने से, तो ये होता है। हाँ, तो दूसरा आपको कि कैसे आप कर सकते हो, क्या मतलब क्या इसकी विधि है, कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना, जिस दिन फ्राइडे रहेगा उस दिन आपको सुबह मॉर्निंग उठना होता है, जैसे कि आप रोजाना जैसे उठते हो, उठ के नहा के पूजा करते हो वैसे ही आपको करना है। इसकी इवनिंग में पूजा होती है, इवनिंग में आपको नहाना है, नहा के एक पूर्व दिशा में मुंह करके आपको एक चौकिया जो पट्टा भी होता है कुछ भी आप रख लो, उस पर एक रुमाल बिछा लो या जो आते हैं माता रानी की चुनरी उसको बिछाओ, फिर माता रानी को स्थापित करो। माता रानी को स्थापित करने से होता है, उसके साथ साथ आप श्रीयंत्र को भी स्थापित करो, क्योंकि माता रानी को बहुत प्रिय होता है श्रीयंत्र, तो इसलिए श्रीयंत्र स्थापित करना जरूरी होता है। उसके बाद उसके पहले आपको माता रानी के लिए भोग बनाना होगा, अगर भोग नहीं भी बनाते हो तो आपके मिश्री या गुड़ से भी भोग लगा सकते हो, लेकिन आपको खीर का भोग अगर लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे कि मैं लगाती हूँ, तो आपको खीर का भोग लगाना होता है। और उसके बाद आयरा है, आयरा के लिए हंस रहे हैं, आयरा नंगू पंगू आयरा ही है। तो भोग लगाने के लिए आप खीर बना सकते हैं चाहे नहीं बना सकते, वो आपकी मर्जी। उसके बाद आपको क्या करना, पट्टे पे रुमाल या कुछ भी माता रानी के चुंदरी बिछा लिया, माता रानी को स्थापित कर दिया, फिर आपको कलश स्थापित करना है, कलश स्थापित के एक मुट्ठी चावल का ढेर मतलब उसको स्थापित रखना है, उस पर तांबे के लोटे मतलब रखना है, उसमें पानी भरना है, पानी जो तांबे का लोटा होता है उस पर आपको कलावा भी बांधना है, और उस पर एक पीतल की कटोरी रखनी है, उसमें आपको सोने का कुछ भी सामान आप रख सकते हो, या सोने का नहीं है तो चांदी का, चांदी का नहीं है तो नगद रुपया भी रख सकते हैं। फिर उसकी पूजा करनी है हल्दी कुमकुम से, और फिर जो वैभव लक्ष्मी है उनकी भी पूजा करनी है, और श्रीयंत्र है उनकी भी पूजा करनी है, और उसके बाद लाल रंग का फूल चढ़ाना है, फिर भोग लगाना है, फिर उसके पहले ही आपको दीपक एंड धूप बत्ती ये सब होता है उसको जलाना है, उसके बाद ही आपको भोग लगाना है, एंड बाकी चीज़ें जो पूजा करनी होती है पहले जला लेते हैं उसके बाद करते हैं। और उसके बाद आपको जो वैभव लक्ष्मी का जो किताब आता है तो उसको आप पढ़ सकते हो, अगर नहीं तो आप करना चाहते हैं तो वैभव लक्ष्मी का जो किताब आता है उसमें सारे नियम लिखे हुए हैं, आराम से उसमें जो विधि लिखी है उसके जरिए आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जितना आप मानते हो 11, 21 या 51, तो जिस दिन 21वें या 51 जो 21 मानते हैं तो 21वें दिन आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन के भी जैसे कि आप रोजाना की तरह व्रत करते हो वैसे ही आपको उसको व्रत करना है, शाम को पूजा होगी, और फिर या तो कुंवारी जो लड़की होती है उनको तिलक लगा के उनको खीर का भोग लगाते हैं, उसका प्रसाद दे के वैभव लक्ष्मी का भोग का उनको मतलब भेंट करना होता है, या सौभाग्यवती जो स्त्री होती हैं उनको आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी को कर सकते हैं, और उसके बाद सबको प्रसाद देना होता है। और आया देखो मुठुर मुठुर देख रही हैं, तो यही सब है। तो उद्यापन का मैं पूरा आपका अगले मतलब जो ब्लॉग मतलब आएगा हमारा फ्राइडे का, तो उस वाले नेक्स्ट ब्लॉग तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मैं उद्यापन कर रही हूँ। और फिर और इसमें आप ऐसे ही नॉर्मल व्रत कर सकते हैं, कभी भी अच्छा दिन देख के आप देख के मतलब जैसे कि स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा उसके बाद पूर्णिमा के बाद आप आता है उसके बाद नहीं, जैसे कि अमावस्या होता है उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो अमावस्या होने के बाद, क्योंकि 15 दिन अंजुरिया 15 दिन अंधेरिया जो जानता हो मतलब जैसे अंजुरिया से कोई भी व्रत स्टार्ट करते हैं तो आप कर सकते हो। तो और ये व्रत करने से बहुत सुकून मिलता है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बस यही है। और बहुत ही इजी आसान व्रत है और आराम से अब वहाँ ये तो मैं कहना भूली कि आप सुबह उठते हो तो नहा स्वच्छ कपड़े पहनने होते हैं, आप पूरे दिन
माँ बाबा लक्ष्मी का रटन करते रहना होता है कि जय माँ बाबा लक्ष्मी, जय माँ बाबा लक्ष्मी, ऐसे रटन करते रहना। किसी की चुंगली, किसी की बुराई सब कुछ नहीं करना है, माता रानी का बस नाम लेते रहना है पूरे टाइम। शाम को नहा धोकर अच्छे से स्वच्छ कपड़ा पहन के माता रानी के पूर्व दिशा में मुँह करके व्रत पूजा करना, जैसे कि मैंने बताया। और ये व्रत करते हो तो आपका माता रानी 99% अगर सच्चे दिल से पूजा करते हो तो 100% आपका ये मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैंने जो मन्नत मांगा है तो देखते हैं मेरा भी पूर्ण होने वाला है, बट देखते हैं कब तक होता है। मतलब मेरा दिल मतलब सब है कि हाँ मेरा पूरा हो जाएगा, बट अभी हुआ नहीं है, बट हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने किस लिए किया था और क्या मेरा व्रत मन्नत मेरा पूरा हुआ कि नहीं। और बस यही है। तो इस वाले ब्लॉग में मैं आपको यही बताने वाली थी कि मैंने व्रत कैसे, मतलब इसमें विधि नियम और क्या फल मिलता है इसका, तो यही सब मैं बताने वाली थी। तो चलो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं जा रही हूँ, देखते हैं क्या करते हैं, बिग बॉस देखेंगे अभी। और मेरा व्रत आज अगले दिन है, मेरा उद्यापन अगले फ्राइडे को। बहुत खुशी हो रही लग रहा है कि जैसे देखो कितना जल्दी हमारा 20, मैंने जल्दी तो नहीं कर सकते, बहुत टाइम से कर रहे हैं। बीच बीच में मेरा तबीयत खराब हो जा रहा था तो मैं छोड़ दे रही थी, या मंथ में एक तो छूट ही जाना होता है और उसके बाद ही तबीयत खराब हो गया तो छूट जाता था। तो फिर भी बहुत अच्छा लगता है फ्राइडे व्रत करने पे, सुकून मिलता है। उसके बाद मैं उद्यापन करूँगी, उसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करूँगी कुछ दिनों के बाद। तो बस, तो चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो जो मेरे वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा, माता रानी उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। और ऐसे भी आप माता रानी का व्रत रखते हो तो जरूर पूर्ण होता है। तो चलो भाई, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।